सबके हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा के परम धारक गुरुदेव परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज, परम पूज्य निखिलेश्वर आनंद जी महाराज हमारे साथ आज इस समागम में आए हुए, हमारी पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री जीतूभाई बगानी जी, हमारे संगठन के सूत्रधार संगठन मंत्री श्री भीखू भाई जी, सम्माननीय काकू भाई जी, गुरुप्रसाद जी, योगेश भाई पटेल जी जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, श्री फुआ जी, जस भाई साहब जी, मितेश भाई पटेल जी जो हमारे आनंद से सांसद हैं, हमारे सभी संत वृंद, देश विदेश से पधारे हुए हमारे हरिभक्त, और यहाँ इस आत्मीय युवा महोत्सव में आए हुए सभी मेरे युवा साथी, मुझे आज बहुत ही हर्ष हो रहा है जब मैं देख रहा हूँ अपने सामने लगभग 2.25 लाख से ज़्यादा हमारे हरिभक्त यहाँ एकत्र आए हैं। मुझे और भी खुशी है कि लगभग 26 देशों से लगभग 10,000 से ज़्यादा हरिभक्त आए हैं, और जर्मनी से भारतीय संस्कृति को अपनाने वाले ऐसे हमारे 200 हरिभक्त आए हैं। आप सबका हम सब की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं प्रगट गुरु स्वामी हरिदास जी का धन्यवादी हूं, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, और उनके आशीर्वाद के कारण ही मुझे इस हरिभक्तों की इतनी बड़ी श्रृंखला का आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अभिभूत इसलिए हूं कि यह जो दृश्य मैं देख रहा हूं, और इस दृश्य के साथ साथ जो उत्पन्न वातावरण है, जिस वातावरण में हर ओर पॉजिटिविटी दिख रही है, उसका आनंद लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस अभिभूत के साथ साथ हम सब लोग अपने आप को जोड़ते हैं, मैं पुनः आपका धन्यवादी हूं। जब हम बात करते हैं हरि आश्रम के द्वारा किए गए कार्यों की, उनके द्वारा चलाए गए प्रकल्पों की, फिर चाहे उसमें सद्भाव, भाईचारा, एकता, इसको आगे बढ़ाने का मिशन, इसको आत्मसात करने का उद्देश्य, ये जब हमें इस हरि आश्रम में देखने को मिलता है, तो हम सब लोग उससे अछूते नहीं रहते, उस पॉजिटिविटी में हम सब लोग अपने आप को समावेश कर लेते हैं। हरि आश्रम में दिए गए वातावरण और सीख के कारण जो नैतिकता उत्पन्न होती है, जो पल पल पर संदेश हमें मिलता है, जिससे हम अपना उत्थान कर सकते हैं, इटर्नल और इंटरनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसको भी हमको आत्मसात करने की आवश्यकता है, और वो वातावरण हमको हरि आश्रम में हमेशा हमेशा मिलता है। समाज में सामंजस्यपूर्ण समुदाय निर्माण करना, इसके उद्देश्य को भी लेकर के चलने का काम हमेशा हरि आश्रम में हम सबको प्रेरणा देता रहा है, और इसी सब के माध्यम से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना, भारतीय संस्कृति को रक्षा करते हुए आगे बढ़ावा देना, हिंदू धर्म को स्थापित करते हुए
सबको समावेश करने की ताकत देना, यह हमको हरि आश्रम के कारण मिलता है। उसके लिए भी मैं अपनी ओर से सच में अभिभूत होता हूँ कि ऐसे वातावरण के कारण हम एक इस तरीके के वातावरण को डेवलप कर पाते हैं। मित्रों और मेरे नौजवान साथियों, मुझे हमेशा नौजवानों के साथ उनके दर्शन करने का इच्छा रहती है और आज भी मुझे आप सब युवाओं के दर्शन करने का मौका मिला है। यह सच में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नौजवानों से नई चीज सीखने को मिलती है, हर पल हर समय नयापन होता है उसमें। वो शुद्ध रूप में एक विचार होता है जो उनके मुख से प्रकट होता है और यही युवा है जो अच्छा और बदलाव के लिए हमेशा उद्योतक होता है, इसलिए वह भगवान स्वरूप होता है। ऐसे युवाओं के दर्शन करने में हमें हमेशा आनंद होता है। हम समझ पाते हैं उनकी आकांक्षाओं से, हम समझ पाते हैं उनकी इच्छाओं से और वह ऊर्जा का, एनर्जी का स्रोत होता है। ऐसे युवा जो एनर्जी के स्रोत होते हैं, वो जब हरि दर्शन करते हुए प्रगट गुरु हरिदास जी का आशीर्वाद लेते हैं तो वो पॉजिटिविटी की ओर चल पड़ते हैं और वही पॉजिटिविटी दृष्टि समाज में, देश में, दुनिया में हम फैलाने में अग्रसर होते हैं, ऐसा हमको आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे युवाओं का दर्शन करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही प्रेरणादायी होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है और शुभ सोच के साथ समुदाय जब आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है, यह हमको समझना चाहिए। उसके मूल में व्यक्ति होता है और जब सामूहिक शक्ति पॉजिटिविटी की ओर लगती है तो वो पॉजिटिव परिवर्तन लाती है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बहुत प्रभावित किया था और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं नहीं हम, सब में हम देखो, सब में अपने आप को देखो, सबको आत्मसात करो। और आज ये आत्मीय युवा महोत्सव का यही संदेश है, मैं नहीं हम, हम सब मिलकर के, जो मैं हूं वो आप हैं, जो आप हैं वो हम हैं, ये हम मिलकर के आगे बढ़ते हैं, इसको हमको समझने की जरूरत है। ये महत्व की बात है और इसको आदरणीय स्वामी जी के माध्यम से हम सबको आशीर्वाद के रूप में मिलता है। आत्मीयता हमारे शिक्षा प्रणाली में बसी हुई है और आत्मीयता के ही माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। उसको आत्मसात करना यह हमारी जिम्मेवारी है और यही पॉजिटिविटी का देखने का नजरिया है। जब हम अद्वैत विचार को रख लेकर के चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो मेरी आत्मा है और जो आपकी आत्मा है, ये दोनों परमात्मा हैं और इसलिए जो आप हैं वो हम हैं और हम हैं वो आप हैं, हमारी आत्मा आपकी है और आपकी आत्मा हमारी है, इसको हम आत्मसात करते हैं। और इसमें से जो प्रेम पैदा होता है वही जीवन दृष्टि देता है, वही समाज को आगे बढ़ाता है। और इसलिए कभी हम शिक्षा पत्री या वचनामृत को पढ़ें, उससे ज्ञान प्राप्त करें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को आत्मसात करेंगे। मैं आज बैठा बैठा यहाँ सुन रहा था हमारे से पूर्व वक्ताओं की बातचीत, जो वो उदाहरण दे रहे थे वो उदाहरण सच में दृष्टि देने वाले उदाहरण थे। किस तरीके से एक व्यक्ति अंधेरे में उजाले को ढूंढता है, अंधेरे के साथ साथ वो प्रकाश की ओर जाना चाहता है और किस तरीके से प्रगट गुरु हरिदास जी का आशीर्वाद मिलता है और वो प्रकाशमय हो जाता है और वो उसका जीवन बदल जाता है, ऐसे अनेक उदाहरण हमको देखने को मिले।
इन उदाहरणों को लेकर आत्मसात करते हुए मुझे भी प्रेरणा मिलती है और हम भी इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सामने आए व्यक्ति को ईश्वर का सृजन मानकर जब हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से पूरा देश, पूरा समुदाय, पूरा समाज एक साथ होकर के चलता है और उसमें से जो पॉजिटिविटी निकलती है उससे बहुत दृष्टि मिलती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। एक जो मेरे जीवन की यात्रा रही है उससे मैं आपके साथ आत्मसात करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमेशा हम सबके मन में किसी भी वक्त पर दो तरह की आवाज उठती है, करें कि ना करें, इसमें भाग लें कि ना लें, ये उचित है या अनुचित है। इसका द्वंद्व जीवन में हमेशा हमेशा हर पल चलता है और हर प्रश्न का उत्तर अपने आत्मा से ही मिलता है। हमारे जीवन में जब भी कोई प्रश्न खड़े होते हैं तो उसके दो उत्तर आते हैं। एक उत्तर आती है आत्मा से और एक उत्तर आता है मन से। जिन इंद्रियों की हम बात करते हैं वो मन का प्रतीक होता है और जिस आत्मा की बात करते हैं वह सात्विकता का प्रतीक होता है। उस समय अगर हम आत्मा की आवाज सुन लें और मन को दबा दें तो हमेशा सही रास्ते पर जाएंगे, इस बात का हमको विश्वास पैदा होता है। और इसका उत्तर कहीं और नहीं मिलता, अपने मन में मिलता है, अपने आत्मा में मिलता है, अपने आप में अंदर से मिलता है। मैं कई बार देखता हूं युवाओं को, वो आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, वो आशाओं से भरे हुए हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ करने की तमन्ना है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो बढ़ने की बात करते हैं तो वो कभी भी अपने आप को पहचानने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। मैं युवाओं से बहुत मिलता जुलता रहता हूं, कईयों की युवाओं को मैं देखता हूं, कई युवाओं को देखता हूं, उनकी उम्र 24 वर्ष हो गई, 25 वर्ष हो गई, 26 वर्ष हो गई, लेकिन वो 25 वर्ष और 26 वर्ष में अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। वो कभी अंदर नहीं झांकते, वो दुनिया के लौकिक जगत में से प्रभावित होते रहते हैं। मैं युवाओं को निवेदन करना चाहूंगा कि बाहर के बदले अपने आप को समझने का प्रयास करो और जिस दिन अपने आप को समझ लोगे उस दिन विकास की ओर चल पड़ोगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। द डे यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ, द डे यू अंडरस्टैंड योर वीकनेस, द डे यू अंडरस्टैंड योर ऑपरचुनिटीज एंड द डे यू अंडरस्टैंड योर थ्रेट्स, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स you will yourself carve your way and that way will be only towards positivity, this I must assure you. इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप अंदर देखिए। भगवान ने हर व्यक्ति को, हर आत्मा को, हर शरीर को एक अजीब ताकत दी है। उस ताकत को हम ही नहीं पहचान पाते, हम ही अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते, हम ही अपने आशीर्वाद जो भगवान ने दिया है उसको पहचान नहीं पाते। हर एक व्यक्ति के अंदर उस ताकत को इक्वेट करने के लिए कुछ न कुछ कमी भी दी है, हम उस कमी को भी नहीं पहचान पाते। अगर हम अपनी कमियों को पहचान लें और अपनी ताकत को पहचान लें तो हम कमियों को कम कर पाएंगे और ताकत को बढ़ा पाएंगे और आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे, यह हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सब को करेंगे। मैं यहां पर एक राजनीतिक दल का, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आया हूं। बहुत से लोग यह प्रश्न खड़ा करते हैं कि राजनीति का धर्म से संबंध क्या है, और अधिकतर आज के समाज में यह प्रश्न बारंबार खड़ा होता है
कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन धर्म एंड पॉलिटिक्स। मेरा ये मानना है कि राजनीति धर्म के बगैर विवेकहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। राजनीति हमेशा धर्म के साथ चलती है, और धर्म का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म का मतलब है क्या करणीय क्या अकरणीय, धर्म का मतलब है क्या करना क्या नहीं करना, धर्म का मतलब है क्या उचित क्या अनुचित। और इसलिए इसका सबसे बड़ी आवश्यकता अगर है तो वह राजनीति में है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वातावरण में हमेशा पॉजिटिविटी की ओर जाने का प्रयास करती है, हमेशा कोशिश करती है कि जो भारत के लिए उचित हो, जो मानवता के लिए उचित हो, जो देश के लिए उचित हो, जो संपूर्ण समाज के लिए उचित हो, उसी ओर आगे बढ़ा जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहता है। और आपने देखा होगा वर्तमान राजनीतिक काल में जब जब हमारे विरोधियों ने नेगेटिविटी डालने का प्रयास किया, जब जब हमारे को रोकने का प्रयास किया, तब तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और ताकत के साथ समाज के सहयोग के साथ विकास के काम में अपने आप को जोड़ा। यह हमको समझना था। गत 6 सालों में जो कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं वह देश के लिए बहुत ही प्रामाणिकता से देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए उन्होंने कदम उठाए हैं। आज दुनिया का ये टारगेट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि 1 अरब लोगों को जो गरीब हैं, जो स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित हैं, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा से उनके इलाज की व्यवस्था की जाए। और आपको जान करके खुशी होगी और आश्चर्य भी होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में इस 1 अरब का जो टारगेट है उसमें 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो कैंसर का इलाज नहीं करा सकते, जो बाईपास सर्जरी नहीं करा सकते, जो ब्रेन में ट्यूमर हो जाए तो उसका इलाज नहीं करा सकते, अगर कैंसर हो गया तो समझो कि जमीन बिक गई, ऐसे 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य की सुविधा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्टेशन की, तो अफॉरेस्टेशन करने का काम अगर तीव्र गति से बढ़ा है तो उसमें उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के पैरामीटर्स को भी ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 8 करोड़ महिलाओं को, बहनों को सिलेंडर देकर और उनको गैस का चूल्हा देकर, जो वो 400 सिगरेट का धुआं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना करके और अपने फेफड़े खराब करती थी, उनको निजात दिलाई है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहा है और उनके जीवन यापन के लिए भी बहुत अच्छा रहा है। ये हमको समझना चाहिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो आज 18,000 विलेज बगैर इलेक्ट्रिसिटी के थे जिनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। हमने टारगेट तय किया कि कोई अब झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, इसलिए 2 करोड़ मकान जिनको गैस की पाइपलाइन भी देंगे, टॉयलेट भी देंगे और शुद्ध पीने का पानी देंगे, इस बात को लेकर के आगे हम चले। ये समाज में परिवर्तन लाने वाली योजनाएं हैं जिसका हम लोगों ने योगदान, इसमें अपना काम किया है।
और ये सब काम का प्रेरणा कहाँ है? इस सब काम की प्रेरणा है जन की सेवा करना, जन को उसकी दुखों से राहत दिलाना, जन को मुख्य धारा में शामिल कराना। जो लोग वंचित हैं, पीड़ित हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अपने दैनिक जीवन की भी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, उनको वो व्यवस्थाएं दे करके मुख्य धारा में शामिल करना, यह उसका उद्देश्य रहा है। और इस उद्देश्य के पीछे, इन तमाम नीतियों के पीछे वो संस्कार हैं, जो संस्कार हमको यहाँ से मिलते हैं, जिसमें हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, तुम्हारी आत्मा और हमारी आत्मा एक है, हम परमात्मा के हैं सब, और हम सबकी सेवा में जुटे हैं, इस बात को लेकर के हम चलते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, युवा महोत्सव के अवसर पर आप सब युवा साथी इसी पॉजिटिविटी के माहौल को, प्रगट गुरु हरिदास जी का आशीर्वाद लेकर के इसको विकसित करते चले। हमेशा याद रखें, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप को हम अंतःकरण में धारण करें, और वह हमें सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे, यह हमारी हमेशा प्रार्थना होनी चाहिए। हम उसको अपने आप में धारण करें। और मैं एक बात आप युवा साथियों से एक और निवेदन करना चाहता हूं, जो मैं, क्योंकि लंबे समय तक युवा के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला है, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी बडी। आदमी बहुत छोटा है किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो आपकी आत्मा को शांति देता है और प्रामाणिकता देता है, वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। इसलिए हर कसौटी पर किसी से आप शाबाशी मत मांगो, किसी भी कसौटी पर कुछ न मत मांगो। मांगना है तो अपनी आत्मा से पूछो कि क्या मैंने अपने बुद्धि से, ताकत से, संस्कारों से अच्छा काम किया कि नहीं किया, और उस कसौटी पर अगर खड़े उतरते हो तो वही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट बनता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज द बेस्ट सर्टिफिकेट। मित्रों, मैं आप सब लोगों से के लिए प्रार्थना भी करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी प्रार्थना करें कि समाज मंगलमय हो, सब सुखी हो, सब आगे बढ़ें। और राजनीतिक दल के रूप में हमको भी आप प्रार्थना कीजिए कि हमें सुबुद्धि और ताकत मिले, ताकि हम समाज की, देश की सेवा कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जहाँ हमको प्रगट गुरु हरिदास जी का आशीर्वाद मिलना हो, वहाँ मुझ जैसा व्यक्ति बहुत देर आपके बीच में रहे या उनके और आपके बीच में रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो युवा महोत्सव आज यहाँ पर एकत्र हुआ है, मैं फिर कहूँगा, अभूतपूर्व है और मैं अभिभूत हूँ। और मैं अभिभूत इसलिए हूँ कि ऐसा वातावरण बहुत तपस्या से मिलता है, और ये गुरु प्रगट गुरु हरिप्रसाद जी की तपस्या है जिस कारण ये हुआ है। इसके लिए भी मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और आपको उसमें जोड़ता हूँ। अंत में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य यहाँ मिला, मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ। ये जो पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन मैं देख रहा हूँ, इस वाइब्रेशन में अपने आप को भी आत्मसात करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात, जय सोमनाथ।